भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह का आयोजन पूरे देश में किया गया, जो 21 सितंबर से 26 सितंबर तक चलेगा। इसी महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दो दिवसीय वाणिज्य उत्सव का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 21 सितंबर से 22 सितंबर को किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान व सराहनीय प्रदर्शन के लिए 71 निर्यातकों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों के लिए चुना गया, जिसमें सलोन जिला रायबली में स्थित फर्म मेसर्स प्रज्ञा राइस मिल के मालिक सुरेश गुप्ता को खाद्य एवं प्रसंस्करण उत्पाद के निर्यात सर्वोत्तम उपलब्धि के लिए प्रथम पुरस्कार हेतु चुना गया, तथा जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा सम्मानित करने के लिए वाणिज्य महोत्सव में आमंत्रित किया गया था, परंतु उत्तर प्रदेश के निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह एवं राज्य मंत्री उदयभान सिंह, साथ ही अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल की उपस्थिति में सुरेश गुप्ता को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जो न केवल सलोन तहसील अपितु रायबली जिले के लिए गर्व का विषय है। ज्ञात हो कि प्रज्ञा राइस मिल सलोन से दुबई, कतर, नेपाल, बांग्लादेश आदि देशों को सांभा स्टीम चावल का निर्यात करती है, जो चावल खाड़ी देशों में बहुत पसंद किया जाता है। चावल के निर्यात के क्षेत्र के किसानों को उनकी फसल सांभा मंसूरी के दाम अधिक मिलने की संभावना बढ़ी है। सुरेश गुप्ता ने बताया कि कृषि आधारित उद्योग लगाकर हम किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन में भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह जो उपलब्धि प्राप्त हुई है, ईश्वर की कृपा व हमारे कर्मचारी की मेहनत का फल है। हमारी इच्छा है कि सलोन का नाम प्रदेश में नहीं बल्कि देश में अग्रणी रहना चाहिए। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी अनुपम के साथ।